गांधी के पैतृक आवास पर हम लोगों ने जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों का जो परिणाम आया है उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस में एक उत्साह पैदा हुआ है। ये जीत सिर्फ राहुल गांधी की नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का सम्मान करने वालों की जीत है। ये रामदूत हनुमान की जीत है। जिन लोगों ने राजस्थान के चुनाव में रामदूत हनुमान को दलित बताया तो ये उनकी करारी हार है। जिन लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का 1989 से लेकर के 2014 और 17 की राजनीति में दुरुपयोग करा ये उनकी करारी हार है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आचरणों पर चलने वाली पार्टी है, राम के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, रामदूत हनुमान को अपना आदर्श मानने वाली पार्टी है। हम इस बार कांग्रेस की सरकार देश में बनाने 2019 में जा रहे हैं, यही संकल्प मैंने नेहरू गांधी परिवार के पैतृक आवास स्वराज भवन आनंद भवन से लिया। इसी उत्साह के साथ कांग्रेस अपनी दिशा की ओर एकाग्र रहेगी।